टी20 विश्वकप जीतिला इंग्लैंड पाकिस्तान को हराई हेला विश्व विजेता इंग्लैंड विश्वकप जीति पांच विकेट रे मात देला इंग्लैंड बटलर बाहिनी तसहित उपविजेता रे संतुष्ट रहिला पाकिस्तान प्रथमे बैटिंग करथिला पाकिस्तान एवं निर्धारित 20 ओवर 137 रन रो टार्गेट देथिला एवं बड़ कथा होछि पांच विकेट रे इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप जीति विश्व विजेता होइछि इंग्लैंड पाकिस्तान को हराई पाकिस्तान को इंग्लैंड हराई विश्व विजेता होइछि टी20 वर्ल्ड कप हासिल करिछि पांच विकेट रे मात देला बटलर बाहिनी उपविजेता रे संतुष्ट रहिला पाकिस्तान जो भली भाबे मैच हेतला प्रथमे टॉस जीतिथिला इंग्लैंड एवं बैटिंग पाई पाकिस्तान को आमंत्रण करिथिला एवं निर्धारित ओवर 137 रन करिथिला पाकिस्तान एवं वर्तमान ये खबर आसुछि बड़ खबर पाकिस्तान को हराई विश्व विजेता होइछि इंग्लैंड पांच विकेट रे टी20 वर्ल्ड कप जीति बटलर बाहिनी देवीप्रसन्न पाणिग्राह आम सहित जोड़ी होती देवीप्रसन्न वर्तमान विश्व विजेतार टाइटल टी20 वर्ल्ड कप जा इंग्लैंड पाखक कौन कह निश्चित भाव विश्व विजय जदि आम कह विश्व विजेता होती इंग्लैंड दीर्घ दिन हल जो टूर्नामेंट चलता प्रतिजोगिता चलता आज तरह फाइनाल मैच था और फाइनाल मैच में मेलबोर्न ग्राउंड में जो भाव खचाखर दर्शक भितर गोटे मैच खेल जाता और इंग्लैंड पाकिस्तान को पांच विकेट रे परास्त कर विश्व विजेता होती है ये इंग्लैंड द्वितीय ट्रॉफी आम 2010 कथा आदि कह 2010 इंग्लैंड तार प्रथम ट्रॉफी हासिल करता ये द्वितीय थर पर ट्रॉफी हासिल कर सहित वेस्टइंडीज सहित इंग्लैंड समकक्ष वेस्टइंडीज टी20 विश्वकप्रे द्वितीय थर बा दुई थर विश्व विजेता होता बेले इंग्लैंड द्वितीय थर विजेता विजय हासिल कर 2010 और 2022 ट्रॉफी हासिल कर इंग्लैंड तरफ आज बेन स्टोक्स अति चमत्कार बैटिंग कर बोलिंग में से गोटे विकेट नहीं बाउंड रन रोटे अर्धशतक इनिंग खेल मैच विजय पाली खेली सात देते मोइन अली आप जानते सी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइले 19 रन एक बड़ पार्टनरशिप सहयोग करते बेन स्टोक्स सहित किंतु बड़ कथा होची पाकिस्तान जो भाव प्रथम बैटिंग करी 137 रन गोटे स्कोर करजरे इजिली चेज करा दे ना जदि आम पाकिस्तान बोलिंग कथा कह साइन अफ्रिदी को जदि प्रफुल्ल पाकिस्तान कैप्टेन बाबर आजम इम्प्लीमेंट कर पार ना कहीं से तीन ओवर मात्र बोलिंग करतीय ओवर मैच जो चली मैच विजय हासिल कर इंग्लैंड कितु चारि ओवर बोलिंग करार आवश्यकता था सहित अगर बोलर मैंने जो भाव भल प्रदर्शन करते साइन अफ्रिदी को अधिक मान ओवर बोलिंग कर आवश्यक रही है हूँ तो मत लगुच कमी रही है कि इंग्लैंड तरफ आम कहीपर जे भल जदि आरंभ हो नए तथापि मोइन अली एवं बेन स्टोक्स अति चमत्कार बैटिंग करते मैच को गोटे ओवर बाकी थी जीति नहीं थे एवं विशेषकर पाकिस्तान आउ इंग्लैंड कथा यदि कह आम आरंभ ही कही पाकिस्तान इंग्लैंड मैच एने बाई चान्स फाइनाल को आसमें समस्ते जदि आम कह दाबीदार थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया साउथ अफ्रीका किंतु एने बाई चान्स फाइनाल को आसती सुपर 12 रे अन्य कौन टीम रो पराजय सत्ते माने फाइनल को सेमीफाइनल को आसते एवं सेमीफाइनल एमाने इंडिया को हरी इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड को हरी पाकिस्तान एमाने फाइनल प्रवेश करते यही अवसर में कहीपर जे इंग्लैंड आउ पाकिस्तान भितर कंपेयर जदि कर बैटिंग लाइन कौटना कौटी सामान्य तुम स्ट्रंग रही कंपेरेटिवली स्ट्रंग थी पाकिस्तान अपेक्षा इंग्लैंड बोलिंग में इंग्लैंड ठार पाकिस्तान बहुत भल था इंग्लैंड बैटिंग जदि आम स्ट्रंग कहते किंतु पाकिस्तान बैटिंग आप देखिए 137 रन कर पार्थला मात्र 20 ओवर एवं इंग्लैंड चेज कर सेमीफाइनाल जो सहज विजय हासिल कर इंग्लैंड भारत विपक्ष में आज फाइनाल सेज हो ना इंग्लैंड कहीं पाकिस्तान से शाणित बोलिंग आगे बैट्समैन मैंने फेल मारी आप देखिए 12-13 ओवर पर्यंत रन और बल सांगे बहुत फरक रही कम बल थी अधिक रन थी कि बालान्स कर देखते 137 रन आउ 138 रन जो टार्गेट ताकू चेज करवा तो आरंभ आरंभ कर इंग्लैंड पाली आरंभ करते जस बटलर सहित जदि आम कह से आरंभ रू आम कहीपर जे हाँ ठीक अच्छे 138 रन गोटे टार्गेट आम इजिली चेज करम जो गोटे पर गोटे विकेट गला और जो भाई भाव भल बोलिंग कला पाकिस्तान परवर्त समय लगला जे हुए तो मैच टी बहुत टक्कर देखा मिले मैच मानने कड़ा टक्कर देखा मिले और संघर्ष करने को पड़ो इंग्लैंड जितने कि परवर्त समय शेष मुहूर्त में आम कहीपर
मईन अली आउ बेन स्टोक जो भाव आसिले गोटे लंबा पार्टनरशिप भितर जमिला और से मानकर पार्टनरशिप सहज होला जे मैच को आगे को नवा को आ रन स्कोर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलला एवं से 138 रन कोड़े ओवर भितर टी ट्वेंटी फर्माट बहुत बड़ स्कोर नुहे आ मेलबोर्न ग्राउंड आप जानते ये अनेक बड़ बड़ रन चेज हो सारी जदि आम कह आवरेज टार्गेट 167 से तो 138 रन गोटे बड़ टार्गेट नाला कितु जो भाई भाव बोलींग बाहन रही पाकिस्तान साइन आफ्रिद हूँ रफ हूँ एम क्षमता थी जे हाँ जो विकेट जाऊँगी एम अटकई पारे इंग्लैंड को कितु से भी नाला जदि किसी समय आम लगी अधघंटू 45 मिनट लगी से 12-15 ओवर भितर लगुला जे हाँ जे पाकिस्तान बोलर मैंने किसी करिश्मा कले इंग्लैंड को अटकई पारे किंतु बेन स्टोक्स जो भाव बैटिंग करती अति चमत्कार बैटिंग कर भल प्रदर्शन कर 52 रन गोटे बड़ इनिंग खेल मईन अली साथ सहित बोलींग आप देखिथे साम करन तीन तीन टी विकेट नहीं बेन स्टोक गोटे विकेट नहीं आदिल रशीद चमत्कार विकेट नहीं चमत्कार बोलिंग कर विकेट नहीं कहबी इंग्लैंड आज पूरा सब विभाग बैटिंग बोलिंग फिल्डिंग सब विभाग हावी थी पाकिस्तान पक्षे पाकिस्तान जी आम कह ना बैटिंग चली ना बोलींग कौन भल बोलर किए भल स्पेल दे साहिन आफ्रिदी जो बोलर को आप जी आम कह फ्रंट लाइन बोलर्स से ही बोलर को आपड़ एक्सपेक्ट करती किसी विकेट देखकर क्षमता अच्छी आपड़ से ही बोलर को तीन ओवर बोलिंग जमा कर 4 ओवर बोलिंग दे पारिना तो निश्चित भाव कमजोरी तो रही चिंताधारे कमजोर थी इम्प्लीमेंट्रे कमजोर था प्रदर्शन में कमजोर था बाबर आजम ठीक से मतलब लगुच्छे साइन आफ्रिदी को प्रपर्ली जो जो ओभर दबा कथा से दे पारिना जो स्पेल दबा कथा दे पारिना हूँ तो 138 रन तक रनटा बहुत बड़ नाला तथापि चेष्टा करते आई गोटे दुई विकेट नहीं हूँ तो पाकिस्तान रोकी पार्था इंग्लैंड कितु इंग्लैंड तरफ जो भाव बेन स्टोक भल प्रदर्शन करते नो डाउट बेन स्टोक आज मैच मैन ऑफ द मैच 2007 आज पर्यंत 2022 पर्यंत एपर्त 8 संस्करण खेल विश्वकप को लगे निश्चित भाव दुई थर वेस्टइंडीज दुई थर इंग्लैंड होगा थरे पाकिस्तान थरे इंडिया रही प्रथम संस्करण निश्चित भाव श्रीलंका थरे निश्चित भाव इंग्लैंड आम आरंभ कहीपरबानी जो इंग्लैंड दाबीदार था कि इंग्लैंड चंपियन होती ये बड़ बड़ कथा।